तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप, आप सभी का फिर से हमारे छोटे से YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी को मैं आपके लिए गवर्नमेंट टैक्स रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट व इन्फॉर्मेशन अपने YouTube चैनल पर हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले आपके गवर्नमेंट टैक्स रिलेटेड छोटी छोटी व इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप सभी अपने गवर्नमेंट टैब को रीसेट कर अनलॉक करवाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास ये छोटी छोटी चीजें नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई भी फायदा नहीं है कोई भी वीडियो देखने का, और ना ही दोस्तों यहाँ पे आपको किसी को बार बार मैसेज करने की जरूरत है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरे पास काफी बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पास ना तो कंप्यूटर होता है और ना ही दोस्तों यहाँ पे उन्हें पता होता है कि किस तरीके से उसे अनलॉक टूल चलाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रियलिटी जो वीडियोस होगी वो मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करने की, अगर आपके पास गवर्नमेंट टैब है और यहाँ पे आपने गवर्नमेंट टैब उसे नॉर्मल करवाना है, तो नॉर्मल करवाने से पहले आपके पास एक तो इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं नंबर टू पे बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर इनमें से एक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लैपटॉप और कंप्यूटर सेम ही चीज होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप में भी वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के भी अंदर यूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इसमें कोई भी फर्क नहीं होता, तो ये भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे किसी को भी कोई भी मैसेज करने की जरूरत नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप अपने गवर्नमेंट टैब को किसी भी ट्रिक से कम्प्लीटली फ्री में नॉर्मल तो कर नहीं सकते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको खुद का गवर्नमेंट टैब कम्प्लीटली नॉर्मल करवाना है या फिर आपको अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल करवाना है, तो यहाँ पे आप मिलकर एक आईडी पासवर्ड परचेज कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट मैं अपने व्हाट्सएप पर बिल्कुल फ्री के अंदर दे दूंगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको आईडी पासवर्ड परचेज करें तो देखिए परचेज करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने भी खुद लाइसेंस परचेज करने रखा है, तो यहाँ पे आपको भी परचेज करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पास लैपटॉप है और यहाँ पे आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 है या फिर दोस्तों यहाँ पे विंडोज 10 है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विंडोज 7 के अंदर 100% वर्क करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे विंडोज 10 और जो AMD Ryzen के प्रोसेसर होते हैं या फिर उनका PC या फिर लैपटॉप होता है तो उनके अंदर 95% जो ब्लू स्क्रीन वाली प्रॉब्लम आती है उसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 150 रुपये या फिर आपने 200 रुपये 300 रुपये में आईडी पासवर्ड परचेज करने के बाद यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और साथ में दोस्तों आप अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी और यहाँ पे कम्प्लीटली आपने सभी सेटिंग्स कर रखी है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरी वीडियो भी भेज दूंगी जिसके अंदर आप 100% सोल्यूशन देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बिना किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप के कभी भी अपने गवर्नमेंट टैब को नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ, आप सभी बोलेंगे कि आपने भी तो वीडियो डाल रखे ट्रिक से रिलेटेड, जैसे कि मैंने परसों भी डाली थी, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ वो सभी वीडियोज 11 वर्जन के अंदर पॉइंट जो पॉइंट में वर्जन होते हैं उनके अंदर ही चल पाती हैं। जैसे कि 100 में से 10 या 20 ही गवर्नमेंट टैब जो फ्री में नॉर्मल चल जाते हैं या फिर यूट्यूब चल जाता है। कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 13 UI4 के बाद अब UI5 आ चुका है, जिसका दोस्तों यहाँ पे उनके अंदर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर आपकी छोटी सी अपडेट इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, आपके लिए ऐसी अपडेट में इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा।